नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड व्लॉगिंग टुडे कॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग। मैं और ये आपकी बूढ़ी बेटी, हम लोग सुबह सुबह उठ के तार हुए पीना नहीं, हाँ बताना मत किसी को। और हम कहाँ जा रहे हैं? उदयपुर, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट। वो तो हम बाद में देखते हैं, अभी हमें ट्रेन पकड़नी है यहाँ से मुंबई की। मुंबई से हमारी उदयपुर की फ्लाइट है। वैसे सूरत से उदयपुर बहुत पास पड़ता है, पर फिर वो हमें गाड़ी से लेकर जाना पड़ता है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ट्रेन यहाँ से थी नहीं और फ्लाइट बहुत महंगी थी, यहाँ से हम मुंबई से जा रहे हैं। समझ गए। ये मेरा अंदर का ऑटोमेटिक 2x चालू हो जाता है। मैं ना मस्त फुल कम्फर्टेबल देसी सूट पहन के जा रही हूँ, बहुत कम्फर्टेबल है, कॉटन का, विथ माई वेरी नाइस बैग और मेरी चप्पल। ना हो नहीं, परफ्यूम जरूर लगा। कल रात को ही ना आया था हम दोनों लोगों ने, बाई देखे गाइस ऐसे इतने भी गंदे नहीं है। गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग। मम्मी ने सुबह उठ के हमारे लिए पोहा बना दिया है। थैंक यू मम्मा। ओम बाबा। जानवी ने पापा से दो चटाका पटाका मांगे हैं। दिस इज ऑल मेरी चटाका पटाका पापा ही जिंदगी है। प्लीज, दिस इज आर ओल्ड होम और इसी के नीचे हमारी शॉप है, तो हम बस पापा को गुड बाय बोलने आए। पापा के साथ दो चटाका पटाका ले लेना चाहिए। हीरो पेशेंस। पोहा खुल चुका है मम्मी के हाथ का। तो मैं ना मेरा आधार कार्ड लेके आना भूल गई हूँ, तो अभी मैंने आधार कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड किया है, एंड आई एम जस्ट गेटिंग दैट प्रिंटेड आउट और उसको लैमिनेट करा लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से पहली बार फ्लाइट ले रहे हैं, हम हर बार यहाँ आते हैं। बहुत देखा है मैंने ये वायरल भयानी के वीडियोस में, बहुत ज्यादा देखे। आई एम वेटिंग फॉर उर्वी टू एयरपोर्ट भी फोन करते हैं। हेलो वायरल भैया, हम आए हुए हैं, थोड़ा फोटो हमारा भी ले लो। हमारा वेब चेक इन बाकी है, तो अभी हम यहाँ खड़े होकर पहले वेब चेक इन कर रहे हैं। और मैं अभी भी किसी तो सेलिब्रिटी के इंतजार में, तो कोई तो आएगा, वायरल जी पीछे आएंगे। हम लेट है वैसे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरी फोटो नहीं चली, टाइम मत वेस्ट। हाँ, और इसको यही फोटो चाहिए, बिकॉज गाइस दिस थिंग जस्ट इन्फ्लुएंसर थिंग। चलना फोटो ले। मैडम फोटो मैडम। मैंने कभी इतना खाली एयरपोर्ट नहीं देखा। मुझे तो बहुत गंदी वाली भूख लगी है, तो आई हैव ऑर्डर्ड सम मसाला डोसा सांभर चटनी, और मैं इस व्यू के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। जानवी गई हुई अपना सब्जी लेने और चाय लेने, मुझे कॉफ़ी भी लेनी है। कैरमलाइज्ड रेगुलर मीडियम रोस्ट डबल चॉट। And so are we with our coffee. Chandni, can you please show your chai? I got a chai for rupees 160 over here. Like, for this? Hello guys, humne flight board kar li hai. Guys, we thought ki hum sabse zyada late hain, but we are not on the runway. Abhi log idhar baithe hue hain, abhi unko bol dungi Shri Man XYZ ji, please Udaipur ke liye aapki nagri call hai, jaldi se prasthan karein. Okay guys, we boarded my flight and now I'm also having my Starbucks tea coffee. Hello guys, we have reached the काफी सुंदर रूम है, तो मैंने बहुत ट्राई किया की लेक व्यू वाला रूम मिल जाए, बट वो सब आउट ऑफ स्टॉक है। बट यहाँ से भी ये हमारी बालकनी है, इतनी बड़ी बालकनी है, दिखा कहाँ है लेक व्यू। अच्छा, दिस इज द लेक व्यू। ओके, इट इज क्वाइट सिमिलर टू मुंबई के सी व्यू। और तो भाई, जितनी बड़ी इन लोगों ने हमें बालकनी दी है ना, इतने रुपए में हमें
मुंबई में सिर्फ एक रूम मिलता है फॉर अ नाइट, दिस मच रूम। ये वो डिसेंट रूम, यहाँ से आप एंटर करोगे और यहाँ पे अच्छा सा बेड रखा हुआ है, कबाट है, काफी क्लीन वॉशरूम, एंड वी ऑल्सो हैव वन मोर विंडो हियर जिसको वो ऊपर चढ़ के खोलना पड़ेगा, हम नहीं पहुँच पाएंगे। हेलो गाइज, हम लोग लॉबी एरिया में आ गए क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना था और जाने को भी थोड़ा सा काम करना था, और हमारे रूम में वाईफाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो हमने इनको बोला भाई हमें बिना वाईफाई के तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, तो अभी ये लोग शाम को हमें अपग्रेड करने वाले हैं। डीलक्स लेक व्यू, बहुत बहुत गंदी वाली भूख लगी हुई है, हम जस्ट वेटिंग के काम हो जाए। इन्होंने हमारे लिए इतना रोमांटिक सेटअप क्यों करके दे दिया? This is how the sky looks like. Guys, having my dinner with Daddy and Mummy. हेलो गाइस, मैं आधी ऐसी थोड़ी सी मरी सी पड़ी हुई थी तो नहीं बोल सकते, अपने आप को तो मरा बोल ही सकती हूँ। पता नहीं हमारे ऊपर जो रूम में रह रहे हैं ना वो लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग जाने, क्योंकि इतनी बियर्ड आवाज आ रही है ना, उसको बाथटब उखाड़ रहे हैं और पूरा लाइक फुल ऐसे ऊपर एकदम से कंस्ट्रक्शन होने लग पड़ा है। तो गाइस तुम्हें एक फ्री का अपग्रेड मिल गया, ये तो मैं आपको बताने भूल गई, मेरी वजह से बहुत बड़े सस्ते में कमरा बुक किया, उसके बाद मैंने बोला भैया वाईफाई नहीं चल रहा, मेरे यूएस के क्लाइंट से मुझे रात में मीटिंग करनी है, वो बोले अच्छा उधर वाईफाई तो आ नहीं रहा। अच्छा मैम सुनो ना, 9 बजे एक रूम खाली हो रहा है, लेक भी अपग्रेड कर दे। हाँ मेरे यूएस के साथ मीटिंग, वो यूएस क्लाइंट, ये आप ही हो वो यूएस क्लाइंट, आपको पता नहीं आप यूएस में रहते हो, आप वो हमारे यूएस क्लाइंट। ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गया है, इसकी बढ़िया बारिश हो रही है, दिस इज द व्यू आई गेट व्हाइल हैविंग माय ब्रेकफास्ट, और बहुत बहुत हल्का जैसे लाइक मस्त म्यूजिक बज रहा है, फुल रिच फील। तो हमें यहाँ से चेकआउट करना है और हमें बहुत ही स्पेशल जगह चेक इन करना है, इट इज क्रेजी, आई कांट इवन बिलीव दिस, हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। सो सबको ये क्या उदयपुर आए क्यों हो? सो बेसिकली वी आर हियर टू मीट तान्या खनिजो। तान्या खनिजो इज अ ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर, आपने उनको देखा ही होगा। आई रिमेम्बर जब मैंने मेरा कंटेंट क्रिएशन चालू किया था तब आई हैव टेक्स्टेड हर, मैंने उनके वीडियोज पे कॉमेंट किया है, एंड आई ऑल्सो रिसीव द लव बैक फ्रॉम हर, मुझे इतनी खुशी हुई थी जब उन्होंने मेरे कॉमेंट को रिप्लाई किया था, मेरे मैसेज को रिप्लाई किया था, एंड नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू मीट हर टूडे। मुझे उनकी सोलो ट्रिप वाले वीडियोस इतने अच्छे लगते हैं, टिल डेट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर ट्रैवल कंटेंट। सो हमें बहुत टाइम से मिलना था, एंड वी डिसाइडेड कि हम उदयपुर में बहुत स्पेशल जगह मिलेंगे, बट गुड गर्ल बनते हैं, हीरोइन बनते हैं, लेट्स गो, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। अगर आपने मेरा लास्ट उदयपुर व्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा उसमें कैसे हमें एक यहाँ प्रॉपर्टी है जिसमें हमें रहना था, एंड यू नो फाइनली आज होने वाला है। अगर आप समझ गए हो तो वीडियो को यहाँ पॉज करो और कमेंट करके बताओ किसकी बात कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। आगे एकदम मस्त गुड गर्ल बन चुकी हूँ, फुल हीरो, वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल कॉट सेट, ये ना हमने फैब्रिक लेके खुद मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाया, आप देख रहे हो, एंड दिस इज द दुपट्टा, ये मैंने मम्मी के किसी तो सूट का जुगाड़ करके लगा लिया है, एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी। ये मेरे को फुल ऐसे 90s के करिश्मा कपूर की वाइब आ रही है इसमें, आई डोंट नो भाई, वो 90s में गोविंद के साथ करिश्मा कपूर रवीना टंडन करती थी ना, अखियों से गोली मारे। हेलो जी, हमने हमारे उस होटल से चेकआउट कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू अनदर प्रॉपर्टी, और यहाँ की गलियां बड़ी सुंदर है। ओके गाइस, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए हमें जेटी लेनी पड़ेगी, अब तो समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं,
ताज लेक पैलेस। आई कांट बिलीव दिस, ओह माय गॉड। मैं एक होटल है लेक के बीच में। गाइस वो जो आपको दिख रहा है ना गाइस, दैट इज आवर होटल। वी नीड टू गो देयर बाय दिस जेटी। ये पता है बहुत ज्यादा यम्मी भी लग रही है और मोगरा की स्मेल है। वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी थैंक्स टू तान्या। डू चेक आउट हर चैनल, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो वी आर स्टेइंग हियर एट ताज लेक पैलेस उदयपुर। ये लेक के बीच में है ये पूरी प्रॉपर्टी। इट इज क्रेजी, सुंदर है। सारे कॉर्नर इतने सुंदर है और मुझे लगता है यहाँ सबसे ज्यादा लाउड भी मैं ही हूँ। सो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थ्रू पे यू एंटर, आप जैसे एंटर होके आओगे यहाँ पे आपको दो कबोर्ड्स मिल जाएंगे टू जस्ट इसे अपने आप को निहारने के लिए। और सामने के साइड वॉशरूम है, वो बाद में देखते हैं, आ जाओ पहले। टेलीविजन, इनके जो इंटीरियर देखोगे ना, सी हाउ प्रिटी दिस इज। यहाँ पे टेलीविजन है, वी हैव चाय कॉफी की सारी व्यवस्था। Yes, we also have a mini bar here. Guys, Tanya has got some yummy chocolates. ये देख रहे हो ये कितनी, ये actual influencers, bloggers, इतने भारी कैमरे के साथ हम ये हमारा 200 ग्राम का फोन उठा के चल पड़ते हैं। Hi guys, मैं भी करती हूँ 200 ग्राम का फोन उठा के मैं भी vlogging करती हूँ। Yes, shorts. Guys, I really can't get over this, यार ये कितना सुंदर लग रहा है। देखो तो आप जरा ये, दिस इज सो प्रिटी। मैं ना कब से बस इस कॉर्नर में बैठी हुई हूँ, बारिश हो रही है, व्यू एंजॉय कर रही हूँ, जेटी आ जा रही है वो देख रही हूँ, बर्ड्स देख रही हूँ, ये यही कर रही हूँ मैं। Going to have lunch. This is what we are doing. I can't wait to take a tour of this property because this is crazy. And हम ना reels वगैरह भी बनाने वाले हैं, so make sure आप हम लोगों को Instagram पे follow कर लो। मैंने यहाँ पे दोनों की IDs डाल दी होंगी। Let's go, let's have some lunch. Hi everyone. Hi. पहली बार मैंने एक story share करी थी। तो जब गोपाली ने बिल्कुल अपना चैनल स्टार्ट किया था ना, बहुत पहले की बात है, आई थिंक 3 साल हो गए होंगे। गोपाली ने ना मुझे एक बार DM किया था, तब मैंने भी स्टार्ट किया था, बट मेरे से आई थिंक 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। तो गोपाली ने मुझे DM किया था ऐसे बोल के कि सो आई मेड दिस वीडियो, टेल मी व्हाट यू थिंक। होता है ना कभी रैंडमली DM कोई दिख जाता है, फिर मैंने वो वीडियो देख भी ली और मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी। कमेंट भी किया था, स्टिल हैव दैट स्क्रीनशॉट विद मी, कैन यू इमेजिन। या एंड शी मेंशन द सेम थिंग टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग। और पता है मैंने इनको मैसेज पे तब बोला था, आई विश आई विल कोलैब विद यू समडे एंड हियर वी आर, आई कांट इमेजिन इट, टू रैंडम स्ट्रेंजर्स टॉकिंग एंड देन। इसलिए मुझे भी गोपाली के साथ कोलैबोरेट करना था और मैंने इसे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आई सॉ योर वीडियो एंड आई थिंक इट वाज सो नाइस, आई थिंक यू हैव अ रियली ब्राइट। और पता है मुझे, हाँ ये आई रिमेम्बर तान्या टेलिंग मी कि आई एम श्योर यू विल ग्रो वन डे एंड एंड हियर वी आर। यस, सो स्वीट, टू हैप्पी क्रिएटर्स, टू वेरी हैप्पी क्रिएटर्स। करके आ चुके हैं पूल साइड बिकॉज वी आर प्लानिंग टू फिल्म समथिंग। मेरे को यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। कंटेंट क्रिएटर्स लाइक सब कुछ चार्जिंग पे लगाते हैं, हर जगह जहाँ प्लग दिख जाता है। जुगाड़ प्रो मैक्स ट्राइपॉड, लॉल, यस दिस इज आवर ट्राइपॉड एंड दिस इज आवर फ्रेम। यहाँ हम लोग बैठने वाले हैं। हमने एक बहुत ही फन सा छोटा सा वीडियो फिल्म किया है जिसमें हम सब गीले हो गए थे, तो बस अब मैं फटाफट चेंज करने जा रही हूँ एंड देन आई विल सी यू, बाय।
हेलो जी, सो वी फाइनली चेंज्ड. सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने मेकअप वेकअप निकाल लिया है. सो तानिया सिस्टर त्वेषा जस्ट लेफ्ट. मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा हम आज सुबह ही मिले थे. यस बहुत मजा आई. सो नाउ मी जानी एंड तानिया हम तीन पार्टी करने वाले हैं कल तक. बिना जब रास्ते में आ रहे थे ना तो हमने यहाँ पे वो कोई तो बहुत कुश महल सम स्वीट है जो बहुत एक्सपेंसिव है और जिसमें इतनी बस फूलों की डेकोरेशन कर रहे थे. इससे फूल मस्त लग रहा है, मस्त एकदम रोमांटिक वाला डेकोरेशन. बट पता है मस्त है, जब उदयपुर आता था आपको बहुत उदयपुर की वाइब आती है, बट इफ यू कम टू ताज ना यू फील लाइक यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. इट्स वेरी रॉयल बट नॉट कनेक्टेड बट वेरी एक्सपेंसिव. गाइस आपको बैकग्राउंड में आवाज सुनाई दे रही होगी, ये फ्लूट की आवाज. ये यहाँ पे एक म्यूजिशियन बैठ के बजा रहे हैं और इसकी आवाज रूम में वॉशरूम्स में हर जगह आ रही है. इट इज सो सूदिंग आई कांट इवन टेल यू. लाइक जस्ट वेट एंड जस्ट लिसन टू दैट. क्रेजी गार्डन जो महारानी के रूम के बिल्कुल बाहर एक गार्डन है वहाँ होता था और यहाँ महारानी और उनकी फ्रेंड फीमेल जो थी वो यहाँ रहती थी. मजे महारानी के कितने मजे आते होंगे. सीरियसली मुझे महारानी बना दो प्लीज कोई. हाँ सही बात है. महारानी हाँ यहाँ स्वीट है. दिस इज द महारानी की. अभी हम आ चुके हैं जहाँ हमने लंच किया था वहीं पे. यहाँ पे दूसरा एक और रेस्टोरेंट है जहाँ पे इंडियन फूड मिलता है बट वहाँ की वाइब हमें इतनी अच्छी नहीं लगी. हमें ये वाली वाइब ज़्यादा अच्छी लगी. यहाँ पे ना हमें लेक साइड टेबल भी मिल गई है. दिस इज द व्यू फ्रॉम आवर टेबल. सो वी आर एक्चुअली अम्यूज्ड. जानवी का तो नहीं है. चौकड़ी मार के बैठ गए क्योंकि अब हमें गप्पे मारने हैं. ये गॉसिप करनी है अभी. सो ऑफ कैमरा होगी आवाज. हे गाइस, आई थॉट ये मम्मी जैसा पराठा आएगा बट नहीं. दिस इज वेरी डिफरेंट. दिस इज विद 21 लेयर्स और वो जो फ्लेकी पे उन्होंने एम्फसाइज किया था दिस इज एक्चुअली वेरी फ्लेकी. यम्मी, सो गुड. एकदम जैसे बहुत रिचनेस फील होने लगी है. आप लोग खाते होंगे रस मलाई. हम खाने जा रहे हैं चीज कॉटेज. कॉटेज नहीं लगा पाई. हम खाने जा रहे हैं कॉटेज चीज डम्पलिंग इन सैफ्रन मिल्क. हेलो गाइस, आफ्टर हैविंग सम यमी डिनर हम लोग आ गए हमारे रूम में. अभी रात के कुछ 11 बज रहे हैं एंड आई एम सो टायर्ड. कल सुबह हमें जल्दी उठना है तो अभी हमें जल्दी सोना है. तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह. कल बहुत मजा आने वाली है. मिलते हैं कल सुबह. उठ के ब्रश करके वापस बेड पे आने की जो मजा है ना, मुझे पता है. और सोना है, खत्म ही नहीं होता ये सोना मेरा. बट यस, लेट्स जस्ट वेक अप. लेट्स जस्ट
कीप आवर आलस साइड में एंड ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। क्या मस्त हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया। आज भी बारिश बारिश वाला मौसम है, बट चलो वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर। Lot of breakfast and I'm so happy as well as hungry. This is so delicious. घर पे हमने उपमा बनाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं सोते हैं। उपमा इतना स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड आंटी, डबल स्टैंडर्ड चल रहे हैं यहाँ पे। वो बाकी में मुझे एक्चुअली वेरी हंग्री। यहाँ इतनी टेम्पटिंग टेम्पटिंग चीज़ें हैं, फिर सब मैंने अपने ब्रेक में फ्रूट्स रखे हैं, ये अमीर लोग होते हैं। मैंने डेजर्ट तो डाले, उनके प्लेट में तो मुझे फ्रूट्स दिख रहे थे। ये दाने है ना, पता था आने वाला था मुझे। हरी सिंह छोले भटूरे के रूम से पता नहीं क्या सोचते सोचते चलते चलते आ रही थी, किसी और के रूम में ही घुस गई मैं, और उनका दरवाजा बाजू वाले रूम में चली गई, उनका दरवाजा। सॉरी 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 सॉरी। दिस इज द व्यू। गाइस जकूजी से निकलने के बाद आपके कुछ ये हाल होते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंडा मौसम हो गया है। जानवी अंदर इतनी सेक्सी फोटोज क्लिक करवा के आई है और बाहर आके से बेबी बन गई है। Yes, that's how you do it. सही बात है, मुझे बस डर ये है ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए। I'm just going to say. I don't enjoy swimming in water. तो आती ही नहीं है, enjoy तो आप तब करोगे जब आप आती होगी। तो ये दो लोग यहाँ पे मेरे बदले के मजे भी ले रहे हैं। हमारे चेकआउट का टाइम हो गया है, सिर्फ बस 15 मिनट है। वी नीड टू टेक शावर, वी ऑल्सो नीड टू गेट रेडी, सब कुछ पैक करना है एंड हमें चेकआउट करना है। अभी तो हमारा प्रॉपर्टी से मन नहीं भरा है, सो हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे चेकआउट करने के बाद। आई लुक सो प्रिटी, बाल मेरे थोड़े आगे से गीले हैं। कैमरा इतनी, ये पापरे मुझे ऐसा क्यों लगा रहा, इतना डरा। बाय, आई होप आई विल सी यू सुपर सून। तो जो मैं अपना एयरपोर्ट भूल गई थी वो ये लोग देख के गए हैं, और मेरा क्लचर भी। इतनी इज्जत मैंने कभी अपना एयरपोर्ट को नहीं दी जितनी इन लोगों ने दी थी है। मम्मी ये मैं नहीं भूली थी, ये ऐसे अपने आप थोड़ा चल के निकल गया था, थोड़ा झरों का तो एंजॉय करना था। Most expensive property I've ever lived in. It's crazy. It is crazy. Guys, Taj Lake Palace के बाद हमारा कुछ ये हाल है, हम हमारा लगेज लेके जा रहे हैं रिक्शा पकड़ने अब। I hope you guys enjoyed watching this video and if you did so make sure of like, share, comment, subscribe सब कुछ कर देना। मैंने ना तानिया के चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो वो भी जरूर से चेकआउट कर लेना। I wanna see you in my next one. तब तक bye bye, take care, bye and thank you so much for all your love and support. I'm always and always and always grateful to you guys. Ta-ta!